दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वायरल टूरिज्म एंड फूड्स पे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं हूं शबान इलाही अंसारी और मैं एक साइंटिफिक ऑफिसर हूं। और यहां पे मैं एक साइंस म्यूज़ियम की एक सीरीज़ चल रही है अभी, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक वीडियो में मैंने आपका टिकट का यहाँ पर चार्जेस वगैरह बताए थे कि कितने कितना लगता है। यहाँ पर निर्मला बिलरा गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, उसमें फ़िलहाल मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि उसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए, ये इसका एंट्रेंस है और अभी हम इसके अंदर चलते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे पेंटिंग्स वगैरह हैं यहाँ पे और बहुत सारे आर्ट चीज़ें हैं, क्योंकि भाई म्यूज़ियम में लगा है तो कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर होगी। और यहाँ पे देख सकते हो, आपके सामने में एक लेडी बैठी हुई है, वो पेड़ के नीचे है, भाई पता नहीं क्या कर रही है। जोक्स अपार्ट, चलो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है क्या बारीकी है पेंटिंग्स में, आर्ट वगैरह यहाँ पर आप सामने में देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं था तो थोड़ी यहाँ पर हल्की सी ब्लरीनेस आ गई है, तो मैंने जो है किसी तरीके से अपने बेल्ट पर लगा करके मोबाइल को किसी तरीके से ये वीडियो बनाई है। और यहाँ पे जो है बिरला प्लानिटेरियम भी था, तो बिरला प्लानिटेरियम का मैं एक अलग से वीडियो, इसके बाद मैं वीडियो वही बिरला प्लानिटेरियम का फुल वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा आएगा हैदराबाद में और जिसने साइंस म्यूज़ियम का टिकट लिया होगा वही यहाँ पे घूम सकता है, क्योंकि वही ये सारी चीज़ें देख सकता है। ये सामने में आप देख सकते हो साइड में सीढ़ी है, ये जो है यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो स्टूडेंट्स वगैरह यहाँ पे बैठ करके स्टडी कर सकते हैं। जितने भी आर्ट कल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर, कोई सी भी बुक्स उठा सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो है देख सकते हैं। आप यहाँ पर जो है एक रूम का व्यू भी देख सकते हो। ये सामने में एक पेंटिंग है, इसमें क्या है कि आप सिस्टम ये देख सकते हो, कंप्यूटर सिस्टम से इसको रिलेट करके बनाया गया है। और ये जो है बहुत सारी मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां अलग अलग चीज़ों से बनी हुई हैं ये सारी चीज़ें। एक यहाँ पे पत्थर की मूर्ति भी आप देख सकते हो, ये रही वो पत्थर की मूर्ति। और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, ये देखो ये एक पेंटिंग है, ये जो है पेंटिंग ये फेड नहीं हुई है इतने दिनों में, और बहुत ही मतलब कि ये कैमरा में इस तरीके से दिख रहा है लेकिन बहुत ही खूबसूरत था रियलिटी में। आप यहाँ पे कभी आओगे तो इसको ज़रूर देखना, बहुत ही बढ़िया था। ये सारी पेंटिंग्स वगैरह थी और ये पूरा रूम का जो है एक आप व्यू देख सकते हो कि किस तरह का यहाँ पर जो है पूरा रूम है। और क्योंकि ये हिल्स पर बना हुआ है तो ये देखो कुछ पार्ट यहाँ पर काटे नहीं गए हैं, ये हिल्स का ही पार्ट है, तो ये जो है पूरा पहाड़ पर बना हुआ है। और यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग है ये एक अलग स्टोरी बयान कर रही है, आप पेंटिंग को देख करके ही बता सकते हो कि अच्छा ये स्टोरी है इसमें। अभी हम देखो दूसरे पेंटिंग की तरफ चलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का है। मतलब पेंटिंग को देख करके जो आर्ट है ना, उसको आप देख करके पता लग जाओगे कि अच्छा ये स्टोरी इसमें बयान की गई है, मतलब पूरे एक पेंटिंग में। ये सामने जो पेंटिंग है ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी कि ये किस तरह की है, ये देखिए। और ये भी आप देख सकते हैं, और ये वाला भी देखिए, इसमें मतलब राजा महाराजा जो थे वो पहले नगरी में जाया करते थे, तो किस तरह उनकी जय जयकार हुआ करती थी, वो सारी जो है इस पेंटिंग में ही एक स्टोरी की तरह बयान कर दिया है। अभी जो है मैं देखो ये निर्मला बिलरा गैलरी से बाहर आ चुका हूँ और ये जो है सामने में क्या ही नज़ारा था मैं आपको बता नहीं सकता। बीच में थोड़ा सा पेड़ आ रहा है लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। और ये हैदराबाद सिटी आप रात के टाइम में देख सकते हो कि ये ऊपर से जो है किस तरह का यहाँ पर दिख रहा है। और अभी मैं जो है दूसरे साइड जाता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये साइंस म्यूज़ियम जो है सामने में फ्रंट से नाइट व्यू में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये दिखता है। और ये जो है यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह भी है यहाँ पे थोड़ी सी, और ये हैदराबाद की सिटी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से पहाड़ पर जो है वो सारी सिटी यहाँ पे, ये ओल्ड सिटी है तो पहाड़ पर बसी हुई है। अभी मैं आपको सामने से दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही बेहतरीन मौसम भी था। और आप जो है सामने में ये देखो मेट्रो चलता हुआ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेट्रो लाइन है। और मैं आपको जो है अभी थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखो दोस्तों ये मेट्रो लाइन है और सामने में सड़क भी आप देख सकते हो, रोड जो है वो। और दोस्तों वो देखो पीछे, सबसे पीछे देखो वो जो हिल है, मतलब किस तरह से हैदराबाद पूरा बसा हुआ है वहाँ पे, और ऐसा लग रहा था जैसे स्टार्स जो होते हैं ना, वो स्टार्स पूरे टिमटिमा रहे हैं रात के टाइम में पूरे हैदराबाद सिटी में, इस तरीके से ऐसा यहाँ पर लग रहा था। और जो है ना बहुत ही मज़ा आ रहा था, मैं क्या बताऊँ, मैं फील नहीं करा सकता आपको। ये जो है बिरला प्लानिटेरियम का फ्रंट वाला पार्ट है, यहाँ पर आप नाइट व्यू यहाँ का देख सकते हो किस तरह से है। यहाँ पर एक CCD था, वो सामने में CCD है, कैफ़े कॉफ़ी डे।
और ये जो है वो ही मंदिर है, वो बिरला मंदिर। एक बार जो मैं जाने वाला था, मैं आपको दिखाने वाला था, मैं क्लीन करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे जूम करके। ये देखो ये क्या है कि यहाँ पे जो है ना मोबाइल अलाउड था नहीं, और इसलिए मैं यहाँ पे गया नहीं। ये पूरा जो है वाइट मार्बल का बना हुआ है, और जो है लोग यहाँ पे रिचुअल्स वगैरह करते हैं बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं था तो जाकर के कोई फ़ायदा भी नहीं था, इसलिए मैं गया भी नहीं। तो ये देखो ये जो है बिरला प्लानिटेरियम का बैक साइड में मैं आ चुका हूँ, और पीछे से आप देख सकते हो कि हैदराबाद सिटी जो है वो किस तरह की यहाँ पे दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और पीछे हिल्स में, मतलब कि ये जो ओल्ड, ये ओल्ड सिटी है तो इसलिए यहाँ पे जो है ना बहुत मतलब हिल्स पर बसा हुआ है, और क्योंकि मैं सिकंदराबाद की साइड रहता हूँ तो इसलिए वहाँ पर पूरा फ्लैट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से लाइट टिमटिमा रही है। अभी जो है मैं बिरला प्लानिटेरियम के अंदर आ चुका हूँ, और जो वहाँ का शो होता है वो शो में जो है ना वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके का होता है। इसके बाद फौरन वही वीडियो डाल दूंगा शो वाला, वो सारा आप देख सकते हो यहाँ पे जो है किस किस ने कितने कितने कंट्रीब्यूशन किया है वो यहाँ पे लगा है। ये सामने में आप एक बिल्डिंग देख सकते हो, एक इमारत बनी हुई है। ये जो है क्लॉक रीडिंग की तरह इस्तेमाल किया जाता था कि सूरज से जो है हम किस तरीके से वक्त देख सकते हैं कि कितना क्या हो रहा है। यहाँ पे बिल गेट्स को आप सामने में देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने अवार्ड वगैरह दिए, किस तरह से यहाँ पे किस किस किन किन बंदों का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, वो सारी चीज़ें यहाँ लगी हैं। ये सामने में जो है आप देख सकते हो कि एक इन्होंने नमूना बनाया हुआ है कि जो है चांद जो है वो चांद पर किस तरह का, चंद्रयान जब लैंडिंग हुआ था तो वो इस तरीके का था, और ये जो रॉकेट है, रॉकेट वो जब लैंड हुआ था तो वो इस तरीके का था, और ये जो है शिप है, स्पेसशिप, ये सैटेलाइट वगैरह मून के ऊपर जो है किस तरीके से ये घूमती रहती है, इन्होंने एक बनाया हुआ है ये आर्टिफिशियली। और आगे दोस्तों अभी हम चलते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना एक पेंटिंग थी, वो पेंटिंग स्पेस डेब्रिस के ऊपर है, कि मतलब सोलर जो स्पेस डेब्रिस है, ये देखो ये डस्ट बन करके किस तरह से जो है हमारे पृथ्वी पर आता है। और ये एक मेट्रोइड का टुकड़ा जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, कभी मेट्रोइड गिरा था उसका यहाँ पे रखा हुआ है नमूना। और अभी जो है बिरला प्लानिटेरियम को कुछ पार्ट में दिखा देता हूँ शो का, तो इंजॉय कीजिए वीडियो। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर ये पृथ्वी नहीं है, ये अंतराल है जहां बादल प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। आया मजा? तो अभी जो है आपने देखा कि बिरला प्लानिटेरियम और निर्मला बिरला गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट किस तरह का था, और बिरला प्लानिटेरियम के अंदर का जो शो था वो इसके बाद में वीडियो डालने वाला हूँ वो भी, और वो किस तरह का था मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर जो है वो पूरी छतरी जिस तरह की होती है, मतलब ऐसे ऐसी कुर्सी थी कि हमें लेटना ही पड़ गया था वहाँ पे, और ऊपर ऐसे लेट करके ऐसे देख रहे थे, और पूरा जो है मतलब छतरी होती है ना ऐसे पूरा, मतलब कि वहाँ पे ऐसे था, और वहाँ पे पूरी वीडियो जो चल रही थी तो वो मैं अभी डाल देता हूँ। आप इसके बाद उस वीडियो को देखना ना भूलें बिल्कुल भी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिख के बताएं कि अगली वीडियो किस जगह की आपको चाहिए। ठीक है, तो गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।